हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय अग्रवाल। मैं संतोष सर स्वागत करता हूँ। जैसे कि डे टू डे क्लास चल रही है, सीटेट जुलाई 2023 को टारगेट करते हुए अगर होता है तो सही है, नहीं तो दिसंबर तो होना ही है। तो हिंदी का हम लोग पढ़ रहे हैं, पेडागोगी, भाषा अधिगम एवं अर्जन, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अर्जन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया लैंग्वेज एक्विजिशन जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार व समाज का होता है। मतलब साफ है कि जो भाषा अर्जन है इसके लिए जो है किसी भी ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती। और ये अपने आसपास घर परिवार माहौल से आप सीखते हैं। जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा आप सीखते हैं। इसी ही लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। अंग्रेजी में एक्विजिशन, अर्जन मतलब यह अर्जित की हुई भाषा होती है, कमाई हुई भाषा होती है, संपत्ति होती है जो कि अपने आसपास माहौल परिवेश से आप वो भाषा सीखते हैं। वह भाषा अर्जन है। कहीं भी कभी भी सीखते हैं वह सभी भाषा अर्जन का माध्यम है। बच्चा जो सीखता है। लेकिन भाषा अधिगम में क्या होता है कि जो है एक नियमों को सीखा जाता है, व्याकरण के नियमों को सीखा जाता है। इसके लिए एक निर्धारित जगह होती है, विद्यालय होती है जहाँ शिक्षक होते हैं, आपसे श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं जो कि आपको एक रूल और रेगुलेशन के अनुसार सिखाते हैं। औपचारिक रूप से जो है उसमें सभी चीज़ें बताई जाती है। जीवन पर्यंत चलने वाली वो भाषा होती है। भाषा वह औपचारिक होती है और यह अनौपचारिक भाषा होती है जो कि आप कहीं पर भी बच्चा से वह सीखता है। रिश्ते नाते, घर परिवार, सगे संबंध जहाँ पर जाता है तो अनुकरण करके सीखता है। और उसके लिए जो है विद्यालय प्रांगण में या कहीं शिक्षा संस्थानों में ही सीखना पड़ता है, तभी आप वह जो है भाषा सीखते हैं। तो ये रहा आपका भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। अर्जन मतलब अर्जित की हुई, कमाई हुई। तो बच्चे का जो है इन्वायरमेंटल जैसा मिलता है उस हिसाब से वो भाषा सीखता है। जैसे आप साउथ में देखते होंगे कि साउथ के लोगों का जो है इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग होता है और बच्चे जो है छोटे छोटे भी बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। कारण कि वहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट है, माहौल है, सारी चीज़ें इंग्लिश में जो है बातें की जाती है, कार्य किया जाता है। तो छोटा सा भी बच्चा जो है इंग्लिश बोलने में फटाफट रहता है। कारण कि वह सीख कर देख कर अनुकरण करता है, सीखता है। इसी तरह विभिन्न जगह क्षेत्रीय भाषाएं हैं जहाँ बच्चा जो है अनुकरण करता है, सीखता है माहौल परिवेश से। तो वह सभी भाषा अर्जन का माध्यम है। इसके लिए कोई औपचारिक चीज़ें नहीं होती, अनौपचारिक रूप से होती है और आप कहीं पर भी सीख सकते हैं। वही चीज़ कह रहा है कि भाषा अधिगम एवं अर्जन एक्विजिशन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, इन्वायरमेंट जहाँ पर वह रह रहा है, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है या दूसरों को अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल्स जो है प्रोसेस है कि जहाँ पर भी बच्चा है जो भी वह उनको अपनाएगा, सीखेगा। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती, नियमों का कोई वध नहीं होता। और यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी होती है। यह सहज और स्वाभाविक होती है, किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें जो है परिवार और समाज का ही होता है, क्योंकि वहीं ज़्यादा इफेक्ट बच्चे पर प्रभावित करते हैं कि जैसा इन्वायरमेंटल जो है क्रिएट करते हैं वैसा वो भी जो है सीखता है और जज करता है। और इसके विपरीत जो है अधिगम है, भाषा अधिगम, जिसमें विद्यालय का होना जरूरी है और यहाँ पे शिक्षक जो है औपचारिक रूप से जो है सिखाते हैं, जहाँ नियमों का वध होता है, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, तो
वह सभी चीज़ें भाषा अधिगम आती हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। बने रहें, जुड़े रहें। विवेक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये हिंदी 30 मार्क्स तक का जो चल रहा है वो है उसी से। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और विवेक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक।